के लड्डू यमी यमी से, दाल के लड्डू यमी यमी से। और से हलवे आए हुए थे वो रखे हुए हैं, बाकी ये रोटी है, रोटी में हलवा आएगा किसी के यहाँ से। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, ये शबे बारात वाले दिन का जो है यहाँ पे वीडियो है। यहाँ मैं खाना बना रही थी, मम्मा जो हैं, अम्मी जी जो हैं, हलवा बनाई थी जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है। देन यहाँ पे भाभी भी यहाँ पे ये काट के दे रही थी ड्राई फ्रूट, सब अपने अपने काम कर रहे थे। वैसे तो हम शबे बारात पर जो है वो दाल बनाते हैं या दाल के साथ कुछ और चीज़ डाल देते हैं, बट अभी चचा आए हुए थे तो अम्मी ने कहा अच्छा नहीं लगता दाल बनाना, इस वजह से हमने जो है आलू गोश बना लिया था। शेप दिए हैं सकते हैं, बहुत ही यम लग रहे हैं ये। और जो बच्चे नहीं खाते जैसे हलवा वगैरह शौकीन नहीं होते खाने के, तो उनको डिफरेंट शेप बना के आप दे सकते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए हमने लेनी थी दाल, दाल ली है, चीनी ली है, घी लिया है, दूध लिया है, इलायची ली है जैसे कि वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इसको इस लड्डू के साथ बना दिया है। खोपरा, बादाम, पिस्ते, अखरोट जो यूज़ करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप का ये बना के आप लड्डू की तरह दूसरे शेप भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लड्डू बनाए, डोनट बना लें, हार्ट बना लें, जो दिल चाहे आपके बच्चों को पसंद हो वो बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और जो है मैंने ड्रेस चेंज किया है, पहले मैंने दूसरा ड्रेस पहना था, अब मैंने दूसरा पहना है। तो अब हम जाएंगे ईशा की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद जो है हम अपनी इबादत स्टार्ट कर लेंगे। आज का व्लॉग आप लोगों के साथ यही शेयर करेंगे, जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, अदरवाइज़ आज के दिन हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है व्लॉग शेयर करना, बट लोग देखना चाहते हैं कि घरों में क्या हो रहा है। तो करते हैं यहीं पर हम वीडियो को एंड, और जो है आप लोगों से कुछ और शेयर करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं वज़ू करने। अरे यार क्या कर रहे हो, जा रहे हैं हम वज़ू करने में दिखाएँ क्या। यहाँ पे जो लिखा है हुआ है सब हमने पढ़ लिया है, इसमें से देख के पढ़ते हैं जो जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वीडियो। इसके बाद जो है अभी 12 बज रहे हैं, तो हम लोग जो हैं अभी रुक गए हैं आधे घंटे के लिए, 12:30 पे 12:30 के करीब हमें स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। हमारी आधी नमाज हो चुकी है तकरीबन, तो अभी ये सब जो है हमें पढ़ना है। बाकी जो है यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं सूरत है, सूरतों के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे हमारी जो वजीफ़े और आसान नमाजें पनसूरत जितनी भी चीज़ें थी सूरतों के लिए हमने फिर वो लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये सब चीज़ें जो हैं आप पढ़ लीजिएगा। अभी तो है शबे बारात जो है वो गुजर चुकी है, और वीडियो का भी पता नहीं है कब अपलोड करूंगी, तो नेक्स्ट ईयर में आप लोग के काम आ जाएगी ये। तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये देख लीजिए, और यहाँ तक जो है हमें पढ़नी है ना। नहीं और फिर जब हम कल पढ़ेंगे तो यहाँ पर है ना, कल फिर कल ये पढ़नी है। आज ये पता नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सूरह बकरा जो है सिपारों की होती है, देखते हैं अभी पता। तो फिलहाल तो 12 बज रहे हैं, हम अभी जो है बंद कर देते हैं सब कुछ, उसके बाद तो हम लोगों ने अभी जानमाज रखी है, और सारी जो किताबें हैं वो हमने रखी हैं, हमारी जो पढ़ाई है वो हो गई है। अल्लाह पाक कबूल अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों की भी कबूल अता फरमाए, अगर आप लोगों ने रात जागी है और किसी वजह से नहीं जा पाए तो अल्लाह पाक उसको भी कबूल अता फरमाए, आपने दुआएं तो मांगनी होंगी ना। तो नेक्स्ट जो है सैरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वाह मेरा पिंकी पिंकी नाखून कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ वो दबाया मैंने थोड़ा उसको, नाखून जम जाता ना। तो जी हम लोग सैरी शेयर करेंगे आप लोग थोड़ी देर में। और हमने जो ये सैरी कर ली है माशाल्लाह, चांद कितना प्यारा लग रहा है ना।
सुभान अल्लाह, अच्छा लग रहा है, वीडियो में भी अच्छा आ रहा है, रियल में भी अच्छा आ रहा है, वीडियो में उससे ज़्यादा अच्छा। मैंने सहरी कर ली है, अजान का टाइम हो गया है, अजान का वेट कर रहे हैं, नियत हमने कर ली है और रोज़े की, तो सहरी भी हमारी हो गई थी, हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अब नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो जाएंगे और फिर मॉर्निंग में आपको मिलेंगे अगर टाइम हुआ तो, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है। अफ्तारी की छोटी सी व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँगी, इसी के अंदर ऐड कर दूँगी ताकि जो है पूरा व्लॉग बन जाए। तो इतनी ही वीडियो को आपने सपोर्ट करना है। सो मॉर्निंग में उठ के कुछ यूँ हुआ कि लाइट गई भी थी, एक तो लाइट जाती नहीं है और इतने ख़राब लोग हैं ना, मतलब के मतलब लोग रातों में जागे और सुबह सोने भी नहीं दिया लाइट वालों ने। यहाँ पे तैयारी हो रही थी अफ्तारी की, तो हाँ जो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। जा रही हो कहाँ? जा रही हो आप? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो आप? कहाँ जा रही हो आप? कहाँ जा रही हो? खीर है, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इतमान किया था। ये फ्रूट चाट एंड देन ये दोबारा फ्रूट चाट, अलग भी किए, अलग भी किए और यहाँ पे भी किए, इसमें थोड़ा जो है हाथ नहीं पड़ता तो सब एक साथ खाते ना। इसमें यहाँ पे है हमारा शरबत और यहाँ पर जो है दूध वाला शरबत, इसके बिना तो रोज़ा नहीं खुलता हमारे घर में। ये जो बिरयानी और खीर जो है ये हमने भेज दी थी, एक आंटी हैं गली में भेजते हैं जैसे के, तो आज नानी जो है उनकी नियाज भी थी तो इस वजह से खीर और बिरयानी का इतमाम हुआ था। तो यहाँ पे इतनी यम्मी सी भाभी ने खीर और ये बिरयानी तो बनाई। खजूरें तो हमें मिली नहीं है जो सुन्नत थे रोज़ा खोलने की मीठा से, तो हम अभी हलवे से खोल लेंगे फिर। इसका रोज़ा था, छोटे से बच्चे का रोज़ा था, और पीछे से मनाही लाई गई अभी उसका रोज़ा था और देर मेरा था। पीटा से रोज़ा खोलते खत्म। सो फ्रेंड जैसे कि मैंने अफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर की है और यहाँ पे जो है किचन की सूरत हाल कुछ ख़राब है, तो यहाँ पे मैं सही करती हूँ और आप तक ये वीडियो पहुँचाती हूँ एडिट करके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टाटा।